प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन आज गोड्डा में माननीय सांसद निशिकांत दुबे तथा विधायक अमित मंडल द्वारा किया गया। मौके पर पुलिस अधीक्षक, नगर उपाध्यक्ष वेणु चौबे एवं कई गणमान्य उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि कैसे हम लोग रोजगार लोगों को बढ़े, और ये मेरे खासकर और जिनसे जुड़ा हुआ मामला है कि जब मैं इंग्लैंड में था, लंदन में था, तो वहां पर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग में जब काम कर रहा था, तो मेरा भी अमूमन यही काम था, वोकेशनल क्वालिफिकेशन को कैसे लोगों तक पहुंचाना, जो इम्प्लॉयमेंट में नहीं है, एजुकेशन में नहीं है, जो कोई ट्रेनिंग में नहीं है, वैसे लोगों को खासकर स्कूल के ड्रॉप आउट बच्चों को कैसे हम लोग स्किल्स दें, ताकि वो रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले रोजगार संबंधित चीजों में अपनी भागीदारी बन सके। अभी पूरी देश चाइना के पैटर्न पे, मलेशिया के पैटर्न पे, अन्य साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के पैटर्न पर औद्योगिक तरफ से तरफ जा रहा है, और इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज आएंगे जिनको स्किल्स की जरूरत होगी, जिनका स्किल्स को रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए इंस्टीट्यूशन की जरूरत होगी। हम लोग अगर सिर्फ गोड्डा की ही बात करें, यहाँ पे अडानी पावर प्लांट सेटअप हो रहा है, आने वाले दिन में 8,000 यहाँ पे इम्प्लॉयमेंट आएगी, 10,000 इम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट तरीके से आएगा, इनडायरेक्ट तरीके से ये 8-15,000 तक जाने का भी हम लोगों का अनुमान है। जब अडानी आएगी तो सिर्फ वो उद्योग रूप में नहीं आएगी, अडानी आएगी तो अलग अलग सेक्टर से वो खोलेंगे। जिस तरह से अगर मान लीजिए अडानी आता है तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बढ़ेगा, यहाँ पर आवागमन जब चालू होगा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर बढ़ेगा, यहाँ पर लोगों को एजुकेशन देने के लिए इंस्टीट्यूशनल सेक्टर एजुकेशन सेक्टर बढ़ेगा, यहाँ पर अडानी आएगी तो उसके साथ साथ जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको बढ़ावा मिलेगा। खुल गया गोड्डा में, इवन संजय यादव जी बैठे हैं, छोटा सा मधुपुर नगर परिषद था, नगर पालिका था, वहां भी इन्होंने इसके डेवलपमेंट का काम चालू किया अपने जगह पर, लेकिन कोटा में मुझे आज तक जो है अर्बन डेवलपमेंट से कोई स्किल डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, और ये बड़ा प्रोजेक्ट है क्योंकि प्रत्येक जिले में एक प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खुलना है, उसी के कड़ी में देवघर में मैं खोल चुका हूं, ये दूसरा जो है ये कोटा में, इसको पूरा का पूरा प्रधानमंत्री कार्यालय और पूरा का पूरा इसके डेवलपमेंट मंत्रालय सीधा इसको मॉनिटर करता है, क्योंकि पिछले 4 साल में जो सबसे बड़ी समस्या हुई कि बड़े राजा बाजा के साथ नेता आते हैं, टिकट काट लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि कुछ दिनों से मैं स्किल डेवलपमेंट का सेंटर उद्घाटन करने में मैं झांसी सबसे ज्यादा डरता हूं, और मैं उस कार्यक्रम में जब जाता हूं मैं सबसे पहले बोलता हूं ये सेंटर चलेगा कि नहीं चलेगा, ये क्योंकि इसमें भी एक बड़ा सवाल है कि गाजे बाजे के साथ आप स्किल का सेंटर खोल देते हैं और 2-3 महीने 4 महीने के बाद वो बंद हो जाता है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता, और उसमें प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया कि कम से कम एक प्रधानमंत्री कौशल केंद्र प्रत्येक जिले में होना चाहिए। आप लोग
ट्वेल्थ के ड्रॉप आउट हैं या किसी कारणवश ग्रेजुएशन नहीं कर। वैसे बेरोजगार नौजवानों के लिए इससे बढ़िया अवसर नहीं है। मुझे जानकारी मिली कि लगभग 1000 बच्चों को एक साल में इन्हें ट्रेन करना, 2500 बच्चों का एक सेमेस्टर होगा तो 3 महीने का होगा, 3 महीने में 4 बार में ये पूरे 1000 बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। मैं सूर्या वायर स्कीम्स को यही कहना चाहूँगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम लोगों के देश में जो अनस्किल्ड यूथ हैं, अनस्किल्ड लेबर हैं, उनको स्किल लेबर